गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। साइंस के ऐसे वन के रिवीजन के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक की जो एक्सरसाइज है उसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है। ये जो चैप्टर 4 के टिक द करेक्ट आंसर है, सर्कल द करेक्ट आंसर है, इनको लर्न करना है। चैप्टर नंबर 2 में जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये लर्न करना है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है इनको लर्न करना है। चैप्टर नंबर 3 में जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है और जो ट्रू और फॉल्स है इन दोनों को आपको लर्न करना है। चैप्टर नंबर 4 में टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू और फॉल्स है और मैच द कॉलम है। तो ये चारों एक्सरसाइजेज आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है और इनको लर्न करना है। चैप्टर 5 के भी टिक द करेक्ट ऑप्शन और मैच द फॉलोइंग। चैप्टर 6 में टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू और फॉल्स। चैप्टर नंबर 7 के टिक द करेक्ट ऑप्शन और ये जो नेम द फॉलोइंग है इनको लर्न करना है। नेम द फॉलोइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। और चैप्टर नंबर 8 के भी टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू और फॉल्स, इनको भी लर्न कर लें। और साथ ही में जो डायग्राम्स हैं, जैसे 2nd चैप्टर का टैप रूट और फाइब्रस रूट का डायग्राम है, ये भी आपको एग्जाम में आएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बनाकर प्रैक्टिस करें। और पार्ट्स ऑफ अ लीव, इसका जो डायग्राम है इसकी भी आप बना के प्रैक्टिस करें। 5th चैप्टर के डाइजेस्टिव सिस्टम की भी आप प्रैक्टिस कर लें, इसको बनाकर देखें। 8th चैप्टर का ये जो एयर कंटेन्स का डायग्राम है, व्हाट डज एयर कंटेन, ये वाला भी आप प्रैक्टिस करें इसकी। और इसी चैप्टर में ये जो वाटर साइकिल का डायग्राम है, ये वाटर साइकिल भी आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें। और इसी के साथ ही जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं 4 to 8 चैप्टर के, वो एक एक चैप्टर करके आप उसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न कर लें। ये सारा आपका ऐसे 1 के लिए रिवीजन है। थैंक यू।